नमस्कार, मैं अरुण कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते, बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 30 दिसंबर शनिवार को राजधानी रायपुर में वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में अयोध्या श्री राम लला हेतु चावल अर्पण कार्यक्रम के अलावा अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरी खबर की ओर चलते, बता दें छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पूर्व मंत्री और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। भाजपा ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर जिले में बड़ी संख्या में बाहरी लोग को बसाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, नेताओं का आरोप है कि वर्ग विशेष के लोगों को चुन चुन कर स्वैच्छिक सहायता राशि दी गई है। घटना की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तीसरी खबर की ओर चलते, बता दें अयोध्या में तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसके लिए अयोध्या सहित देश भर में तैयारियां चल रही हैं। देश का हर प्रदेश अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान कर पुण्य का भागी बन रहा है। इसी क्रम में भगवान राम के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ में भी जमकर तैयारी चल रही है। आज शनिवार को छत्तीसगढ़ से 3000 मैट्रिक टन चावल अयोध्या भेजा जाएगा। इस चावल का इस्तेमाल भगवान श्री राम के भंडारण में होगा। चौथी खबर की ओर चलते हुए बता दें पूर्व आईएएस ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री बनने वाले वो दूसरे विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में 20 साल बाद किसी मंत्री को वित्त विभाग दिया गया है। आखिरी खबर की ओर चलते बता दें बीजापुर जिले में संचालित 180 राशन दुकानों के बैंक खातों में पंचम वित्तीय पोषण राशि वितरण में गड़बड़ी संबंधी शिकायत को प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल जांच शुरू करा दी है। बता दें कि 3 सदस्य जांच दल ने शुरुआती जांच में वित्तीय पोषण प्रदाय संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के साथ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जिला खाद्य अधिकारी गणेश कुरे को तलब किया है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज़। नमस्कार।